हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डीयू के एनालिसिस में हमने कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से हमने एनालिसिस किया था। और आज उस टाइम पे हमने ये देखा था कि रियल एनालिसिस से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम यहाँ पे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, पर पूरे 20 क्वेश्चन तो सोल्व हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, सारे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सभी लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, इस प्रकार से सभी के हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम अब रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि लेट ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विथ लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन नॉट इक्वल टू लिमिट इनफिमम ऑफ ए एन, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि लिमिट ए एन डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा बोलता है कि लिमिट इनफिमम ऑफ ए एन लेस देन लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन। तीसरा बोलता है देर इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। देन पूछा गया कि सारे ट्रू हैं, कोई सेकंड ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हम सॉल्यूशन करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा ट्रू है। तो अब अपन देखेंगे अपने को क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ कि लेट ए एन बी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ए एन है वो बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर। और हम जानते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होती है रियल नंबर की, उसके पास लिमिट पॉइंट होता है। Every bounded sequence of real number has limit point. इतनी बात हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, तो इस प्रकार से उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्जेंट करने वाली एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी हमें, सब सीक्वेंस जो उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। यानी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। और साथ में दिया हुआ कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन नॉट इक्वल टू लिमिट इनफिमम ऑफ एन। और हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है, जो अपनी लिमिट को कन्वर्ज करती है, तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन इक्वल्स टू होता है लिमिट इनफिमम ऑफ एन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ सीक्वेंस। पर हमें दिया गया कि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो ये दोनों इक्वल होते हैं। पर हमने बोला कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। दूसरी बात बोलता है कि लिमिट इनफिमम ऑफ एन लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन। और हम कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है तो उसके लिए लिमिट इनफिमम ऑफ एन लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन। बट हमें दिया गया कि इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होती तो कन्वर्जेंट हो जाती, और अपने को इक्वल दी तो कन्वर्जेंट नहीं। इसका मतलब लिमिट इनफिमम ऑफ एन लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन होगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बेटर हो जाएगा। और हमने देखा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, तो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका, जैसे ए एन बाउंडेड है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो उसका लिमिट पॉइंट हमने मान लिया कि एल है। हो सकता है कि एल डैश, एल डबल डैश और भी हो सकते हैं, हमने माना कि इसका लिमिट पॉइंट एल है। तो हमें एक सब सीक्वेंस मिलेगी ए एन के जो इस एल को कन्वर्ज करेगी, यानी कि ए एन हैज बाउंडेड सब सीक्वेंस। इसका मतलब देर इज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसका मतलब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई, इसका मतलब ये भी ट्रू, इसका मतलब ऑल ऑफ आर टू दिस का आंसर बेस्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक सीरीज का है। पिछला क्वेश्चन हमने सीक्वेंस के बारे में देखा था, अभी सीरीज का क्वेश्चन है कि द सीरीज समीशन माइनस वन की पावर एन एन अपॉन एन की पावर पी कन्वर्ज फॉर आर वैल्यू जो पी कन्वर्ज फॉर पी ग्रेटर देन जीरो डाइवर्ज फॉर पी लेस देन जीरो डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी कन्वर्ज पी ग्रेटर देन वन पी लेस देन वन। तो ये बात करें कि सीरीज पी की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो ये माइनस वन की पावर एन अपॉन एन की पावर पी है, तो हम देख रहे हैं कि सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है। और हम जानते हैं कि लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज कि माइनस वन की पावर एन यू एन और यू एन ग्रेटर देन जीरो कोई सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट होगी अगर यू एन प्लस वन लेस देन यू एन, यानी कि यू एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और लिमिट यू एन इक्वल टू जीरो। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसको हम इससे रिलेट करके देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे यू एन की वैल्यू आ गई वन अपॉन एन की पावर पी, वन अपॉन एन की पावर पी। अब हम देखेंगे कि पहली कंडीशन है यू एन प्लस वन लेस देन यू एन। अगर हम देखे चलते हैं कि पी ग्रेटर देन जीरो, पी ग्रेटर देन जीरो है तो हमें पता है कि एन की पावर पी लेस देन इक्वल टू होता है एन की पावर एन प्लस वन की पावर पी। तो दिस इम्प्लाइज वन अपॉन एन प्लस वन की पावर पी इज लेस देन वन अपॉन एन की पावर पी,
ये कब है जब पी ग्रेटर देन जीरो है। तो पी ग्रेटर देन जीरो पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ये बन गया यू एन प्लस वन लेस देन यू एन। और हम देखते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर पी जीरो, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सो बाई लेबनीज टेस्ट और पी ग्रेटर देन जीरो अपनी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो पी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये कन्वर्ज हो गई, पर जैसे मान लो कि पी लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर ये लेबनीज टेस्ट यहाँ पर नहीं लग पाएगा। लेबनीज टेस्ट बोलता है कि यू एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पर पी जैसे मान लो पी ग्रेटर देन जीरो है तो पी ग्रेटर देन जीरो पर सारी वैल्यू हो जाएगा, पर जैसे पी लेस देन जीरो है, पी लेस देन जीरो है तो ये यू एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं रहेगी, डिक्रीजिंग नहीं रहेगी तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगी। फिर आगे बोला कन्वर्ज फॉर पी ग्रेटर देन जीरो और पी लेस देन इक्वल टू जीरो पे, जैसे पी इक्वल टू जीरो ले लोगे तो पी इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो बन जाएगी समेशन माइनस वन की पावर एन वन अपॉन एन की पावर जीरो, तो यानी हो जाएगी समेशन माइनस वन की पावर एन। तो ये यहाँ पे यू एन की वैल्यू वन आ गई, यू एन की वैल्यू वन आ गई तो यू एन प्लस वन भी वन, सारे वन हो गए, पूरी यू एन ही वन हो गई, पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जन नहीं होगी कब, जब पी इक्वल टू जीरो, तो पी इक्वल टू जीरो पे कन्वर्जन नहीं है। अब बात करते हैं पी लेस देन जीरो की, तो पी लेस देन जीरो की बात करते हैं, जैसे मान लो पी इक्वल टू माइनस वन है तो ये सीरीज बन जाएगी समेशन माइनस वन की पावर एन और एन की पावर माइनस वन, यानी कि समेशन माइनस वन की पावर एन और एन बन गई। और ये सीरीज हम देख रहे हैं कि माइनस वन टू माइनस थ्री ऐसे चलती जा रही है, ऑसिलेटिंग सीरीज हो गई, ऑसिलेटिंग सीरीज है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब अपना फाइनल आंसर क्या जाएगा कि पी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट से, और पी लेस देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा, लेस इक्वल जीरो के लिए डाइवर्जेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि कन्वर्ज फॉर पी ग्रेटर देन जीरो, डाइवर्ज फॉर पी लेस देन जीरो, तो इसका सेकंड आंसर क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि सीक्वेंस का, इससे पहले हमने क्वेश्चन सीक्वेंस का देखा था और एक सीरीज का देखा था, ये क्वेश्चन है सीक्वेंस का। इसमें बोल रहा है कि द प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द सीक्वेंस वन अपॉन एन कन्वर्ज टू जीरो रिलाइज ऑन, तो ये सीक्वेंस में कौन से इफेक्ट का यूज कर रहा है कि वन अपॉन एन कन्वर्ज हो जाए, तो इसका पूछा है। पहला ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, दूसरा ऑफ द बोथ ऑफ द कम्प्लीटनेस एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ आर, एक बोल रहा है कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो हमें देखेंगे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो इसमें किस इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, किस फैक्ट का यूज कर रहे हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम जानते हैं कि कोई भी सिक्वेंस ए एन है वो किसी नंबर एल को कन्वर्ज करती है, तो क्या डेफिनेशन होती है, इसे माना कि सिक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज करिए रियल नंबर एल। हम जानते हैं कि डेफिनेशन होती है कि फोर ओवर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू एन सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फोर होल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये डेफिनेशन होती है कि कोई सीक्वेंस ए एन किसी रियल नंबर एल को कन्वर्ट करे। यहाँ पे अपने को ए एन दिया हुआ है वन अपॉन एन और बोला कि लिमिट एल को जीरो को कन्वर्ट कर रही है, एल वैल्यू जीरो, तो अपने ये बन जाएगा वन अपॉन एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन। और हम जानते हैं एप्सिलॉन आर्बिट्ररी स्मॉल होता है, तो एप्सिलॉन टेंड टू जीरो लेंगे तो वन अपॉन एन जीरो को कन्वर्ट कर जाएगा, तो यानी कि अपनी ये कंडीशन है। अब हम ये देखेंगे कि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं कि आर्गुमेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होती है, आर्गुमेंट प्रॉपर्टी आर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो अनबाउंडेड अबव होता है, और मैं सब बोल सकता हूँ कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको इससे कैसे रिलेट करें, जैसे हमें पता है कि फोर ओवर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वन अपॉन एप्सिलॉन डिफाइन है, वन अपॉन एप्सिलॉन डिफाइन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर है तो वन अपॉन एप्सिलॉन भी रियल नंबर है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, यानी कि वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन एन बिलोंग टू एन सच दैट कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा, तो यानी कि एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन, तो यही बात यहाँ पे। इसका मतलब कि हमने ये बताया कि सीक्वेंस वन अपॉन एन जीरो कन्वर्ज करती है, इस फैक्ट में हमने किसका यूज़ किया, केवल आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर का यूज़ किया, इसका मतलब
फोर्थ ऑप्शन ओनली द आर्गुमेंट प्रॉपर्टी ऑफ आदित्य,